किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। आर एंड एस यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि वक्फ बोर्ड को लेकर है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए अब इलेक्शन होने वाला है, वोटिंग होने वाली है। वहीं पर हमारे शहर हैदराबाद के कई मशाखीनों ने अपनी अपनी तरफ से अपील की है। कोई मशाखीन किसी को वोट डालने के लिए कह रहे हैं, तो कोई और दूसरे मशाखीन किसी और को वोट डालने के लिए कह रहे हैं। खैर, अब आने वाला वक्त बताएगा कि वक्फ बोर्ड के मेम्बर्स आखिरकार चेयरमैन के लिए किसको चुनते हैं। तो आइए मशाखीन अपील करते हुए हम आपको दिखाते हैं। है, ये आपका बैलेट पेपर है, 1 से 7 उम्मीदवार के नाम हैं, तरतीब हैं, 1, 2, 3, 4। आप जो तरजीह का वोट जिसी पे देना चाह रहे हैं, मैं तो जाहिर बात है बोलूँगा कि उम्मीदवारों मेरे को पहला वोट दीजिए, तो आपको सिर्फ इसमें जो है न्यूमरिक 1 लिखना है, एक लकीर 1 सेंटर में लिखना है, ये जो बॉक्स बना हुआ है फोटो के बाजू। अगर आप 2 1 डाले, ऊपर 1 डाले, नीचे दूसरे कैंडिडेट को भी 1 डाले, वोट आपका खराब। आप बोले मेरे को 2 वोट का इख्तियार है, 1 और 2 भी मैं साहब को 1 को डालूंगा, वोट खराब। जज्बात की बात नहीं है, 1 उधर डाले तो 2 किसी दूसरे को डालना, नहीं भी डाल सकते आप। तो आपका जो है, क्योंकि जाहिर बात है वोट एक एहतियात की चीज़ है, आप जिसको मुनासिब समझेंगे, आपकी आखिरत खराब नहीं होना है, सोचना है उन्हें जाके ईमानदारी दयानतदारी से काम करना है। तो इसी तरीके से देखिए आप, अगर आप कहीं अंगूठा लगा दिए, कहीं आप राइट मार दिए तो वोट खराब, 1 और 2 लिखे वोट खराब, और आप क्रॉस मार्क्स डाले वोट खराब आपका। सिर्फ आपको जो तरतीब देना है वो इसी किस्म की है कि जो भी आप उम्मीदवार को पहली तरजीह देना चाह रहे हैं उसके फोटो के बाजू के बॉक्स में वो तरजीह का नंबर लिखें, 1 न्यूमरिक, दूसरी तरजीह जिसको जाना चाह रहे हैं 2। बहुत ही सिंपल है। तो क्या पूरे तेलंगाना में सिर्फ ये हफ्ते की महदूद है और क्यों ऐसा? देखिए, 475 लोग जो वोट डालने वाले हैं, जो 1 लाख से ऊपर आमदनी वाले, 7,000 वक्फ फंड भरने वाले लोग वोटर लिस्ट में हैं, मगर वक्फ बोर्ड तो सारे 35,000 इंस्टीट्यूशन जितने हैं उतने का जिम्मेदार है ना सिर्फ वो। सबसे अहम बात बता दूं आपको कि कल भी अगर मस्जिद बनती है वो दर्जे रजिस्टर औकाफ नहीं है तो वक्फ बाई यूज़र है, कल भी अगर दरगाह किसी की बनती है वो दर्जे रजिस्टर औकाफ नहीं है तो वो वक्फ बाई यूज़र है। तमाम इदाराजात, मस्जिद, दरगाह, ग्रेवयार्ड, ये सारे चीज़ों के वक्फ के तहत है। नुमाइंदे जो 2 मुतवल्लियान हजरात को नुमाइंदा बनाते हैं, जिसमें मैनेजिंग कमेटी वाले भी कॉन्टेस्ट करते हैं, मुतवल्ली हजरात भी करते हैं, ये दोनों तमाम हजरात, तमाम औकाफी जायदादों के नुमाइंदे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इलेक्टेड बॉडी का इलेक्ट्रोल कॉलेज बड़ा बेहतरीन है, जिसमें 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसमें 1 अपर हाउस और लोअर हाउस, MLA एंड MLC का है, 2 मुतवल्लियान है, 1 बार काउंसिल मेंबर है। तो इसका कंपोजिशन ऐसा है इलेक्टेड बॉडी का। रिमेनिंग जो है नॉमिनेटेड पोस्ट है 5, इलेक्टेड पोस्ट शुड बी ऑलवेज मोर देन दैट। नॉमिनेटेड पोस्ट में गवर्नमेंट के नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफिसर होते हैं और सोशल वर्कर होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर होते हैं और शिया तबके का नुमाइंदे होते हैं, ये नॉमिनेटेड कैटेगरी में है। तो ऑल वॉक ऑफ लाइफ से लोग हैं और ये सारे जायदादों का मामला है। जितने इदाराजात हैं, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, सर्वे कमीशन का जो मामला है वो 74 में इख्तदाम हो गया, 68 से शुरू हो गया। तो ये उसके बाद एडेंडम्स होना है, मजीद होना है सर्वे, सेकेंड सर्वे बोले तो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ का होना है, और कोई ऑलरेडी जो सर्वे है उसका रीसर्वे नहीं हो सकता। अगर रीसर्वे हुआ तो वहाँ जो जायदाद वक्फ की थी, आज जो होटल बनी हुई है, उसको लिखना पड़ता, तो रीसर्वे इज नॉट एट ऑल। सर्वे तो जो है लेफ्ट ओवर एंड एडेंडम्स जो विच इज एडेड उसका है। तो हजारों प्रॉपर्टीज है और ये सबके नुमाइंदे हैं, ऐसा कैसा होता 475 के? चाहे भाई दूसरे प्रॉपर्टीज आप मस्जिद अलमास का ले लीजिए, मुतवल्ली साहब जो है वो अकबर हुसैनी साहब एक मस्जिद में तुरुप बाजार में मौजन की नौकरी कर रहे हैं, कितनी बड़ी शख्सियत, उनका कंपनसेशन लाखों रुपए रखा हुआ है वक्फ बोर्ड में और करोड़ों की जायदाद है, सैकड़ों एकड़ प्रोजेक्ट, अरे उसको आप हासिल करेंगे, डेवलप करेंगे, उनको एनक्रोजर से रिलीफ दिलाएंगे तो वो भी वक्फ फंड भरेंगे।
तो ये इतने जायदाद वाले वो है, उनके मसाइल तो बहुत है। जागीर कम्यूटेशंस के लोग हैं, इनाम के जमीनात के लोग हैं, जिनको आमदनी नहीं है, वो पूरे लोग जो है उनके मसाइल ज़्यादा है। सबके मसाइल वो करना पड़ता है। मेरे को वोट डाले सवालों का करता हूँ बोले तो फिर आप यू आर नॉट ए मेंबर, यू आर नॉट फिट फॉर दैट पोस्ट। अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।